हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल्ट कन्वेयर के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा जो आपके बैचिंग प्लांट्स में यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बेल्ट कन्वेयर की सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। व्हाट इज़ बेल्ट कन्वेयर एंड हाउ इट वर्क? सबसे पहले हम जानेंगे कि बेल्ट कन्वेयर क्या है और ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दो पिक दिख रही होंगी, जिसमें कि एक ब्लैंक बेल्ट कन्वेयर है जिसमें कोई मटेरियल लोड नहीं है, और सेकंड पिक में आप देख रहे होंगे बेल्ट कन्वेयर ऑन लोड है। सबसे पहले हम जानेंगे बेल्ट कन्वेयर क्या है। और ये कैसे काम करता है। बेल्ट कन्वेयर इज अ मैकेनिज्म गेट टू ट्रांसफर द रॉ मटेरियल कॉन्स्टेंटली फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू द बिन ऑफ बैचिंग प्लांट। बेल्ट कन्वेयर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि मटेरियल को डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा करके और आपके बैचिंग प्लांट के बिन में डिस्चार्ज कर देता है। रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं आपके 10 mm, 20 mm एग्रीगेट, सैंड, डस्ट एक्सेट्रा विच इज यूज्ड इन योर इंडस्ट्री। यूजेस ऑफ बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर की यूजेस जानते हैं। बेल्ट कन्वेयर आर द मोस्ट नॉर्मली यूज्ड बल्क हैंडलिंग कन्वेयर इन प्लांट्स टू देयर रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ कैपेसिटीज। बेल्ट कन्वेयर अपने रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए जाना जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए हम इसका यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग काम के पर्पज़ से करते हैं। बैचिंग प्लांट्स में जो भी बेल्ट कन्वेयर यूज़ होते हैं उनके रोलर्स के टाइप्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो There are three types of roller used in batching plant. हमारे यहाँ जो batching plants में roller use किए जाते हैं belt conveyor में, वो three types के होते हैं generally. Impact roller, carrying roller and return roller. First आता है impact roller. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, impact roller कुछ इस तरह का लगा होता है जो कि आपके belt conveyor में fix होता है. And this is carrying roller. This one is return roller. रिटर्न रोलर, जब आपका मटेरियल ऊपर डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद जब बेल्ट कन्वेयर आपका नीचे डायरेक्शन में आता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो ये रिटर्न रोलर की ही सहायता से नीचे साइड मूव होता है। हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ रोलर्स की। आपके जो बेल्ट कन्वेयर में रोलर्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी वर्किंग्स जानेंगे। Rollers works as moving the material with constant from downward to upward with support of belt conveyor. दोस्तों, जैसा कि आपके सामने एक पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे हैं जो आपका रोलर लगे हुए हैं वो ऐसे डिज़ाइन में फिक्स किए जाते हैं। आपका बेल्ट कन्वेयर इसी डिज़ाइन को लेकर के ऊपर तक जाता है, और जब वो नीचे आता है तो उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो सेपरेट हो जाती हैं। लेकिन जब ऊपर जाता है तो इसको इसलिए इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है ताकि आप जो मटेरियल डाल रहे हो वो आपके बेल्ट कन्वेयर्स के साइड से गिरने के चांसेस बहुत ही कम हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रोलर क्यों यूज़ किया जाता है हमारे बेल्ट कन्वेयर में। रोलर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जो आपका बेल्ट है वो रोलर के थ्रू ही मूव करता है, और इसमें मटेरियल मूव हो करके हॉपर में डिस्चार्ज होता है। इसलिए हम रोलर का यूज़ करते हैं ताकि इजली मूवमेंट हो सके। दोस्तों, अगर हम बात करें पुली की, तो हमारा जो बेल्ट कन्वेयर है उसमें दो टाइप्स की पुली यूज़ की जाती हैं, हेड पुली और टेल पुली। अगर हम हेड पुली की बात करें, आपके बेल्ट कन्वेयर में जो अपर पार्ट में लगी होती है उसको हम हेड पुली बोलते हैं, जिसमें से वी बेल्ट के थ्रू आपके ट्रांसमिशन गियर बॉक्स कनेक्ट होता है एंड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मोटर से कनेक्ट होती है। टेल पुली में आपके जो टॉय रॉड होते हैं, दो टॉय रॉड फिक्स किए जाते हैं जैसा कि आप पिक पे देख रहे हैं टेल पुली, और ये आपके बेल्ट कन्वेयर के डाउनवर्ड डायरेक्शन पे नीचे वाले पोर्शन पे लगी होती है, फिक्स होती है। दोस्तों, अगर हम हेड पुली की बात करें तो हेड पुली कनेक्टेड होती है वी बेल्ट से, वी बेल्ट कनेक्टेड होता है ट्रांसमिशन गियर बॉक्स से एंड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स मोटर से कनेक्टेड होता है। इसमें 20 HP की मोटर इंस्टॉल की जाती है और 10 HP की भी की जाती है एज पर रिक्वायर्ड। ओके, तो हम बात करते हैं, इसमें थ्री फेज की इंडक्शन मोटर यूज़ की जाती है
क्योंकि थ्री फेज की इंडक्शन मोटर हम क्यों यूज़ करते हैं, हम कोई और मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इंडक्शन मोटर थ्री फेज की हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्पीड को कंट्रोल करने में बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए हम इसमें इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। और दोस्तों जो हेड पुली है वो आपका मटेरियल को नीचे से ऊपर ले जाने का काम करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेल पुली, टेल पुली के फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम करता है, टेल पुली क्यों यूज़ किया जाता है। तो टेल पुली इज यूज्ड अंडर द हॉपर ऑफ द बेल्ट कन्वेयर एंड कनेक्टेड थ्रू टायर रॉड, इट्स यूज्ड टू द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ कन्वेयर बेल्ट एंड थ्रू द टायर रॉड वी एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ बेल्ट कन्वेयर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो टेल पुली है वो हमारे हॉपर के नीचे वाले हिस्से में लगी होती है, बेल्ट कन्वेयर का जो हॉपर होता है उसके नीचे इसको फिक्स किया जाता है और ये इसमें दो टायर रॉड लगे होते हैं। टायर रॉड का काम ये होता है कि आपका जैसे बेल्ट कभी इधर उधर हो रहा है, मतलब आपका बेल्ट प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पा रहा, तो उसको ये एडजस्ट करने के काम आते हैं टायर रॉड, और टायर रॉड के थ्रू हम इसके बेल्ट के मूवमेंट को राइट अप कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशंस बेल्ट कन्वेयर में क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बताने वाला हूँ, प्लीज़ लिसन केयरफुली। मेंटेनेंस एंड प्रिकॉशंस इन बेल्ट कन्वेयर, फर्स्ट पॉइंट, यू शुड चेक ऑल द स्क्रूज और बोल्ट्स आर टाइट और नॉट इन द बेल्ट कन्वेयर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेल्ट कन्वेयर में जो भी हमारे स्क्रू नट बोल्ट्स लगे होते हैं उन सबको चेक करवाते रहना चाहिए और टाइट अप करवाते रहना चाहिए उनको। अगर आपको लग रहा है कि ये बोल्ट लूज़ होने वाला है या लूज़ हो गया है तो उसको इंस्टेंटली टाइट करवा दें। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, शुड बी चेक द बेल्ट कन्वेयर बॉक्स मोटर ऑयल, इफ़ लेस प्लीज़ टॉप अप। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो बेल्ट कन्वेयर में गियर बॉक्स यूज़ होता है उसका ऑयल प्रॉपर चेक करते रहें और अगर आपको लेस लग रहा है तो इसमें टॉप अप करवा दें और अगर ऑयल की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको इंस्टेंटली चेंज करवा दें और ऑयल वही यूज़ करें जो कि उसमें पहले से यूज़ हो रहा है, कोई भी दूसरा ऑयल उसमें मिक्स ना करें। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, यू शुड ऑलवेज केप्ट नीट एंड क्लीन इन द बेल्ट कन्वेयर। हमेशा दोस्तों बेल्ट कन्वेयर को नीट एंड क्लीन करके रखें, चेक करते रहें। यू शुड चेक द इलेक्ट्रिक पैनल बेल्ट कन्वेयर डेली एंड केप्ट नीट एंड क्लीन। दोस्तों बेल्ट कन्वेयर में जो आपका इलेक्ट्रिक पैनल नीचे लगा होता है उसको भी चेक करते रहें क्योंकि अगर आप बैचिंग प्लांट में काम कर रहे हैं धूल डस्ट सब कुछ जाता है, तो अगर हमारे इलेक्ट्रिक पैनल में ये सारी चीज़ें आएंगी तो कहीं पे भी फॉल्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिकली फॉल्ट हो सकता है। इसके लिए आप उसमें ब्लोवर मरवा दें, सफाई से रखें इलेक्ट्रिक पैनल को और हो सके तो उसको कवर अप करके रखें। ऑलवेज रिमेंबर If want to work in the belt conveyor, you should take safety first. हमेशा याद रखें अगर आप बेल्ट कन्वेयर पे काम करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले सेफ्टी का ख्याल ज़रूर रखें। Don't wear heavy clothes or use muffler. बेल्ट कन्वेयर में वर्क करते टाइम कभी भी हैवी क्लॉथ्स या मफलर जैसे गमछा या फिर कुछ और इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें। Don't forget to clean your belt conveyor stairs properly. दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें जो आपके बेल्ट कन्वेयर की स्टेयर्स हैं इसमें बहुत सारे मटेरियल्स जो गिर जाते हैं कन्वेयर से बेल्ट से उसको रिमूव कर दें, उसको हटवा दें, साफ सफाई करके रखें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।